अब हम चल रहे हैं अम्मा को कैसे मनाया सादिया सबा पकी कहानी एक दफा दोबारा सबा पकी प्लीज पिक्चर्स दिखाइएगा कि उनके अंदर कितना चेंज आया आप देख सकते हैं. वैसे तो वो हर रूप में प्यारी लगती हैं लेकिन आप तो देखे ना मतलब आपकी फुर्ती अलग है आपकी फिगर ही अलग है. नहीं आप तो बहुत दुबली हो गए. मैं तो खुद ही काम किया भी ड्रामे में तो बहुत मैं का सबा बहुत माशाल्लाह सब स्किन स्किन और बहुत अच्छी. हाँ जी तो सादिया कहानी शुरू करते हैं भाई. अच्छा अम्मी हम लोगों की ना जीन्स में ये है कि हमारी ना हड्डी चौड़ी नहीं है. अच्छा हम लोग बिल्कुल गोल हैं. हाँ तो हम जब भी वेट लॉस करते हैं वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है वेट गेन भी बहुत जल्दी होता ओके. है. अम्मी का ये था कि कुछ अर्सा पहले अम्मी को जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गई थी. हाँ. और स्पेशली ना उनके यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती थी हाथों में जी. हाँ. तो वो वाटर ब्लोटिंग हो जाती थी. ब्लोटिंग अच्छा. तो वो अम्मी को बहुत उसकी टेंशन हो रही थी. फिर अम्मी को स्वेलिंग हो जाती थी इधर इधर शोल्डर्स पे. हाँ. बाजुओं में और टांगों में दर्द. हाँ. तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके आपको ना ये ब्लोटिंग है. हाँ. वाटर टेंशन वाटर. हाँ, अपनी बॉडी से निकालें. तो मैंने अम्मी को कहा मैंने कहा अम्मा आप डिटॉक्स कर लें. डिटॉक्स का एक प्लान होता है 9 दिन का. अम्मी नहीं कर सकी क्योंकि ऑब्वियसली एज है काम करना है उन्होंने. फिर मैंने उनको हेल्दी चीज़ों पे लगाया क्योंकि अम्मा की आदत थी कि रात में अगर उनको 2 बजे भी भूख लग रही है ना तो अगर लेटी भी हुई हैं तो उठ के फ्रिज से निकाल के कुछ खा रही हैं फ्रूट्स खा रही हैं या कुछ भी फास्ट फूड भी खा लेती थी. हाँ. फिर सो जाती थी. तो मैं उनको हमेशा इस चीज़ से डिस्करेज करती थी कि रात में अगर आप कुछ खाएंगी मंचिंग भी करेंगी तो आपका वेट गेन होना ही होना. हाँ. क्योंकि सबसे ज़्यादा रात में वेट गेन होता है. खैर मैंने उनको इस तरफ से पीछे किया. फिर मैंने उनका जो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर उसमें इनका माँ अपनी ज़िंदगी से कुछ अर्से के लिए कार्ब्स निकाल दें राइस निकाल दें रोटी निकाल दें. तो ब्रेकफास्ट में दो चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है वो ये है एक नमक और एक शुगर चीनी. अच्छा नमक और चीनी मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती. मैं नमक नहीं यूज़ करती अपने लिए. मैं नहीं करती. और हाँ मैं भी आपको जो चिकन बना के दिखाऊंगी उसमें नमक नहीं होगा बट टेस्ट आ जाता है. हाँ. क्योंकि आपको मोटा ही नमक करता है. हाँ. और आपको मोटा ही चीनी करती है. तो चीनी की जगह मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ. मैंने अम्मा को शुगर की जगह स्टीविया पे लगाया विद 0 कैलोरी स्वीटनर होता है उसका टेस्ट डिवेलप हो जाता है. और नमक मैंने अम्मी से कहा कि अम्मा नमक कम. अब सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में वो लेती हैं ऑमलेट. ये सारा कुछ मैंने उनको बताया हुआ है क्योंकि वो उनकी ट्रैवलिंग रहती है मैं साथ नहीं रहती ज़्यादातर उनके. तो ऑमलेट बनाती हैं या तो मक्खन में या फिर थोड़े से देसी घी में ऑमलेट बनाती हैं. उसके ऊपर सिर्फ ब्लैक पेपर या वो होती है वो नहीं होती लाल मिर्च वो रेड कलर की होती है पेपरिका पेपरिका. अच्छा वो हल्की सी डाल ली या तो काली मिर्च डाल ली. हाँ. और एग वाइट नॉट एग योक ठीक है. उसमें थोड़ा हल्का सा दूध डाल के उसको अच्छी तरह बीट करें वो इतना फ्लफी सा बन जाता है. खाली ऑमलेट विद चाय या कॉफी. हाँ, मैंने कहा आप ब्राउन ब्रेड भी ना खाएं. उन्होंने ब्राउन ब्रेड भी छोड़ दी. वो तो वाइट ब्रेड तो हम यूज़ ही नहीं करते उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता. लेकिन अब ब्राउन ब्रेड भी जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें भी कैलोरीज तो होती होंगी ना. तो वो आप छोड़ के आप ब्रेकफास्ट करें तो वो ऑमलेट इटसेल्फ बहुत फिलिंग होता है. ठीक है वो ले लिया. लंच में उनको कहती हूँ कि आप बॉयल्ड वेजिटेबल्स ले लें और स्टेक कर लें. स्टेक कर लें. स्टेक चिकन की भी हो सकती है मटन की भी हो सकती है बीफ की भी हो सकती है. ठीक है उसके बाद रात में और बीच में इन बिटवीन अगर भूख लगती है तो वो नट्स ले लेती हैं. अच्छा ठीक है थोड़े से. ठीक है थोड़े से नट्स ले लेती हैं या एप्पल. या एप्पल. अच्छा एक चीज़ मैंने पर्सनली अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर एप्पल खा रहे हैं ना तो साथ आप लेमन वाटर पी लें उससे भी बहुत जल्दी वेट कम होता है. बहुत जल्दी एप्पल के बाद. हाँ तो इन बिटवीन एप्पल बनाना से मैं मना करती हूँ. मैं बनाना नहीं लेती. हाँ. और रात के वक्त मैंने 7 बजे के बाद मैं उनको कहती हूँ हमने कुछ नहीं खाना. आप पता नहीं रिकॉर्डिंग्स पे क्या करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ 7 बजे के बाद. हाँ. आपने कुछ नहीं खाना. हाँ. तो 7 बजे भी लाइट मील या तो कबाब हो जाते हैं ऑलिव ऑयल में फ्राई किए हुए कबाब हो जाते हैं या खाली सीख कबाब हो जाएँ
और रात के वक्त अगर आप लेट मील ले रहे हैं तो मैं वेजिटेबल से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो आपको रिएक्शन भी हो जाता है ना, पेट खराब हो जाता है वो. ग्रीन वेजीज लेट नाइट नहीं लेने चाहिए. तो इस तरह करके ना मील्स तीन कर दी थी. तो ये चीज़ अम्मी ने 3 महीने की. अच्छा. और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सुबह उठ के क्या ले रहे हो फौरन, और रात में सोते हुए क्या ले रहे हैं. तो उठ के लेमन वाटर, ओके, गर्म पानी में एक लीमू किया. हाँ. और वो पी लिया. उससे ये होता है कि अगर आपका वेट लूज होता है ना तो आपकी बॉडी टोन रहती है. ओके, लेमन वाटर, जी जी, बॉडी टाइट रहती है. हाँ. वो सैगी नहीं होती. हाँ. तो एक दिन वो ले लिया, एक दिन चिया सीड्स ले लिए, एक दिन वो ले लिया, एक दिन चिया सीड्स ले लिए, और प्लस बादाम. हाँ. बादाम, क्योंकि इस एज में जब आप वेट कम करते हो तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी होती हैं. हाँ. तो सुबह रात में बादाम भिगो दिए, सुबह उठ के मैंने अम्मा को कहती थी आपने 8 बादाम खाने. अल्लाह. तो वो 8 बादाम कहते हैं ना, 7 बादाम एक. हाँ. 7, 8, 8, 10 इस तरह. हाँ. तो वो उससे ही होता था कि उनकी एनर्जी रहती थी. ओके. और फिर ये 3 महीने इन्होंने ये डाइट की. बीच में कोई 8-10 दिन बाद फिर मुझसे पूछती थी कि मुझे आपा कहती हैं आपा ये कर लो, फिर मैंने कहा एक रोटी खा ले एक रोटी खा ले, लेकिन रात में नहीं, दोपहर में एक. हाँ. रोटी खा ले. चावल की ज़रूरत होती थी तो वो वाइट राइस बॉईल करके वो खा लें. हाँ. लेकिन वो फिर मैं उनको बताती थी. तो अच्छा, चीट डे रखती थी वो 3 महीने तक जिन्होंने डाइट की. चीटिंग नहीं. अच्छा. उससे ये हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर जितना पानी था सबसे पहले वो निकला. ओके. उसके बाद उनकी यहाँ की स्वेलिंग ठीक हो गई, उनकी जॉइंट्स की पेन ठीक हो गई. और वैसे भी जब आप वेट लूज करते हो ना तो आप इतना लाइटर फील करते हो कि आप फिर ना आप लेथार्जिक फील करते हो, सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होती. तो अम्मी को सुस्ती होती थी, अम्मी को नींद बहुत आती थी, अम्मी के फेस पे स्वेलिंग हो जाती थी, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती. और उनका काम ही टीवी का है. और मुझे उनकी शक्ल देख के पता लग जाता था. और उनको फिर जाहिर है उनको बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ काम. सही बात. वो फिर अब जब से तो अम्मी इतना लाइट. अभी मैं रात में आई हूँ तो मैं अम्मी को मैंने हक की, मैंने कहा माँ फिर तो कमर इतनी पतली हो गई है, बिल्कुल लड़की लग रही है. तो माशाल्लाह अब तो वो उनको हर चीज़ अच्छा. और अभी मैंने उनसे कपड़े लिए, क्योंकि मैं शलवार कमीज से कम पहनती हूँ. तो मैं अम्मा से कहती हूँ इतनी वार्डरोब आप बनाती हैं ना तो मुझे दे दिया करें, मैं क्यों बनवाऊँ, मैं क्यों पैसे खर्च करूँ. तो अम्मी की वार्डरोब ना मैं पहन लेती हूँ ये शलवार कमीजें. तो अभी उन्होंने मुझे अभी कोई महीना पहले मैंने कहा मुझे 3-4 दे दें. तो मैंने पहले सोचा मैं ऑल्टर करवा लूँगी. वो मैंने पहने मुझे पूरे शोल्डर से भी, यहाँ कमर से भी पूरे. अम्मा ने मुझे कहा आपने करवाई थी, मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं वैसे भी थोड़े लूज पहनती हूँ, लेकिन वो इतने लूज नहीं थे कि आपको लगे आपने अम्मा के पहने. तो मैं इतने अभी सो इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह इस एज पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने इतना अपने आप को किया है. रिकॉर्डिंग पे भी लाहौर आती है ना तो ज़रा उनको होता है, वो शेफ है ना तो वो बना के देती है, लेकिन मैं कहती हूँ चले 2 दिन आई है खा ले. लेकिन अब अम्मी कंट्रोल करती हैं और वही उनकी एपेटाइट कम हो गई है. हाँ. जाती अब कम हो गई. रिकॉर्डिंग पे अपना अलग से कुछ पोर्शन ना. हाँ जी, यहाँ पे अब जब यहाँ होती हैं तो फिर वो मील्स ले लेती हैं, बट वो मील्स भी सारे कैलकुलेटेड होते हैं. उसने भी बहुत अम्मी को हेल्प किया है. और मुझे लगता है कि आप डाइट कर रहे हैं ना साथ साथ आपको दिन में 1 या 2 दफा डिटॉक्स करना चाहिए. डिटॉक्स कैसे करें? ये जिस तरह अंबर आपने भी बताया, वो जो जूस है आपकी बेटी पीती, वो भी डिटॉक्स है. डिटॉक्स ठीक है, वो डिटॉक्स है. वो अंदर का जितना आपने खाया होता है वो सारा निकल जाता है. अच्छा. तो डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी गंदी चीज है जी, आपने फास्ट फूड खाया होता है, कुछ जो भी गंदला खाया होता है वो सारा आपका निकल जाता है. पढ़ रही थी और मैंने अप्लाई भी किया. जब हम डाइट शुरू करते हैं उससे पहले, डाइटिंग करने से पहले हमें अपनी आंतों की सफाई करनी. जी, जी जी. और डिटॉक्स उसे ही कहते हैं. हाँ. जब आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी ना, जब आपने गंदी गंदी चीजें खाई हुई है, समझे एक नाली साफ हो जाएगी. हाँ. तो फिर उसके फिर आपको आपका वेट लॉस में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी. तो बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे साइंसेज हैं और वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है.